इस वक्त हम शांतिनगर के पिरानी पाड़े में मौजूद है, जहाँ आप कुछ लोग इस वक्त हम बात करने वाले हैं। कुछ साल पहले यहाँ पे एक शख्स है, जिस शख्स ने को एक ठगी करने वाला बंदा सऊदी मलेशिया दुबई के बहाने से देकर लगभग 7-8 लोग हैं जिनको ठग कर यहाँ से फरार है, और पुलिस के कोर्ट के जरिए लोग उस पर FIR किए हैं। उसको लेकर हम पूरी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे, इस ताल्लुक से उनके साथ क्या घटना हुई है। यहाँ इस वक्त तफज्जुल भाई हमारे साथ मौजूद है, जिनको ठगी करने वाला शख्स दुबई और मलेशिया करके यहाँ पे अब तक 7-8 लोग हैं उनको दुबई और मलेशिया का बहाना देकर लगभग वहाँ से फरार हो गया, और उनके ताल्लुक से लोग कोर्ट से अपील करके पुलिस स्टेशन में एक FIR कराए। अब तक उस पर पुलिस कार्रवाई क्या की है, और ये लोग की मांग क्या है, ये लोग चाहते क्या है, हम इनसे पूरी जानने की कोशिश करेंगे। स्वागत है तफज्जुल भाई। तो तफज्जुल भाई बताएंगे, मतलब आप लोग जो सामने वाला जो बंदा था उसका नाम क्या है? फुरखान अली नाम था। कहाँ का रहने वाला है? बागे पेट्रोल पंप, बागे फिरदौस है ना, पेट्रोल पंप पंजाबी होटल के सामने बिल्डिंग। तो आप लोग के साथ क्या मामला हुआ था, मतलब वो किस तरीके से आप लोगों क्या, और आप लोग वहाँ तक पहुँचे? मलेशिया और दुबई जाने के लिए वो इधर आता था, मेरे तालुकात में था, उसी को भेजा था। तो हम लोग आना जाना इधर था, तो तालुकात हो गया था, तो उस हिसाब से ये है भाई साहब, और वो भाई साहब हैं, साबिर नाम है उनका, दुबई के लिए बेचारा 7 बच्ची हैं। तो ये सब तालुकात वाले हैं अपना, तो इन लोग बोले कि भाई जाना है बाहर, मतलब ठीक है चले जाओ भाई, मौलाना आदमी है, अच्छा आदमी है, भेज देंगे, मगर कुछ नहीं भेजे। और मलेशिया और दुबई के लिए करके खाली 2-2, 3-3 बार टिकट दिया, वो भी फर्जी, फर्जी वीज़ा, फर्जी टिकट, फर्जी वैक्सीन ऐसा बना करके दिए, और जब नहीं भेज पाए तो बोला कि पैसा, तो बोला पैसा देता हूँ करके 1 साल चला गया। उसके बाद फिर हम लोग को विश्वास नहीं हुआ, फिर चेक दिए मेरे को, चेक बाउंस हुआ। इसके बाद में टोटल पैसा मेरा 8 लाख रुपया, 8 लाख में 1,20,000 रुपये रिटर्न भी दिया। इसके बाद में हम लोग कोर्ट के दरवाजा खटखटाए। आप लोग लगभग कितने लोग हैं, आप लोग के साथ कितने लोग के साथ ऐसा मामला हुआ? 15 लोग के साथ। जो सामने वाला बंदा है मतलब वो भिवंडी शहर का कहाँ का रहने वाला है, और अब तक उसका काम क्या चालू है? उसका वही ठग का टोकरी है, ठग का टोकरी का वो अस्थाई बोलिए। तो इस पूरे मामले को लेकर अपने जो आप लोग 7-8 लोग हैं, तो अब तक इस मामले को लेकर पुलिस में या कोर्ट में अब तक आपने क्या गुहार लगाई और इस पर क्या कार्रवाई की है? कोर्ट तक के गए, कोर्ट में जाने के बाद पुलिस तक के मामला गया, भिमंडी स्टेशन में मामला गया, वहाँ से 2 आरोपी भिमंडी के सर जो भी हैं अधिकारी, उन लोग अरेस्ट किए 2 लोग को, और 2 अभी फरार से, और 2 बेल पे छूट गया। छूटने के बाद उल्टा धमकी दे रहा कि क्या हो गया, मैं छूट गया ना। आपको जो धमकी देता है उसका नाम क्या है? उसका नाम है फुरखान अली। वो अभी फिलहाल कहाँ? दुबई से इमो पे फ़ोन करके बोल रहा था, और फारूक अली उसका अब्बा है, और उसका डॉक्टर भाई है फैजान, उन लोग से सर हमको खतरा भी। टोटल आप लोग कितने लोग हैं, टोटल कितना पैसा लेना है सामने वाले? सामने वाला सर 8 लाख में 1,20,000 दिया है, 7,80,000 रुपये लेना है। टोटल आप लोग कितने लोग हैं? 15 लोग हैं सर। तो पुलिस से और कोर्ट से आप लोग क्या न्याय की गुहार लगाई? न्याय की वही गुहार लगाया कि हमारी पैसा मिलना चाहिए, और वो जो 2 आरोपी फरार है उसको अरेस्ट किया जाए। अभी आप लोग का फिलहाल कारोबार काम बिजनेस का है, किस तरीके से अखराज चलाना काम है? ये भी लूम चलाते हो, अभी बेचारा उनको 7 बच्चे हो, अब क्या बोलूं। बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त मोहम्मद ताबिर भाई भी हमारे साथ मौजूद है, इसी तरीके से इनके साथ भी ठगी का मामला हुआ और इनका भी पैसा लेके फरार है, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे क्या कहेंगे इस ताल्लुक से। क्या नाम आपका? मोहम्मद ताबिर। आप कितना पैसा दिए थे? 76,000। किस लिए दिए थे? दुबई जाने के लिए। किसको? मौलाना फुरकान। मौलाना फुरकान कहाँ पे, मतलब दुबई में जाने के लिए कौन से काम थे? ये प्लम्बर का। कितना टाइम हुआ? करीब करीब 20 महीना हो ही गया। तो मतलब आपके साथ जो धोखाधड़ी किस तरीके से हुआ, कैसे इसमें आप लोगों को बेवकूफ बनाया गया? टिकट भी फर्जी दिया, वीजा भी फर्जी दिया, 20 महीना में हो जाएगा, उस महीना में ऐसे करते करते आज 20 महीना हो गया। क्या काम करते हैं आप? लूम चलाते हैं। कहाँ रहते हैं? यही पुरानी पड़ा। अच्छा, तो अभी आपके घर में अखराजात वगैरह कैसे चलते हैं? वही मजदूरी थोड़ा बहुत बचा तो भेजते हैं, 4,000 ब्याज भरते हैं 1,000 का। तो जो ऐसे लोग ठगी कर रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं, ऐसे लोग के जो लोग शिकार हैं, इनको लेकर आप पुलिस से क्या कहना चाहेंगे? पुलिस चाहता की जरूरत है सर, पुलिस चाहता की जरूरत है, थोड़ा कस के बोल देते हैं, चाहता की जरूरत है, पुलिस पैसा मिलना चाहिए, गरीब आदमी है हम, गरीब आदमी है, मर जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त यहाँ शांतिनगर के पिरानी पाड़े में ये जो लोग मेरे साथ मौजूद थे, इनसे ठगी करने के लिए सामने वाला दुबई और मलेशिया को लेकर बात किया कि मलेशिया और दुबई भेजेंगे, मगर ऐसा कोई ऐसा काम नहीं हुआ। कितने लोग यहाँ मौजूद हैं जो लोग को कलकत्ता घुमा के वापस भिवंडी छोड़ दिए,
और ये लोग कोर्ट के जरिए कोर्ट को लेकर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया। अब इस मामले में देखते हैं कि पुलिस क्या एक्शन लेती है और ऐसे लोगों पर सख्त सख्त कार्रवाई की लोग मांग किए। हम आपको खबरों के पीछे की वो खबर दिखाएंगे, इसे आप बाखबर सिर्फ आप देखते रहिए सत्य आज तक फिर।